हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी. आज मैं करने वाली हूँ डेली व्लॉगिंग. लेकिन कारें देखो कितना डिस्टर्ब करती है ना बीच बीच में, जिसके पीछे आप सब लोग पड़े थे कि डेली व्लॉग करो, डेली व्लॉग करो. तो मैं शुरू कर रही हूँ, देखते हैं कब तक हो पाता है. सो आज जो है मंडे है और तारीख है 3 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मुझे पकड़नी है बस यहाँ से. तो मैं फटाफट बस पकड़ लेती हूँ क्योंकि 2 मिनट में बस है और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो गाइस, बस पकड़ के हम पहुँच गए हैं फेयरवे स्टेशन. ये फेयरवे स्टेशन ना किचनर का मेन ट्रांजिट स्टेशन है. यहाँ से बसेस वगैरह बहुत देर रात तक और बहुत ही फ्रिक्वेंसी में चलती हैं. तो मैं सबको बोलती हूँ कि इसके आसपास ही घर लो, क्योंकि यहाँ पे बसेस भी हैं, ग्रॉसरी स्टोर भी है, कॉनेस्टोगा का डाउनटाउन एंड किचनर कैंपस भी बहुत पास में है. सो दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू ऑल. तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने मिड स्टेशन पे. ये यहाँ का स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन. यहाँ पे ज़्यादातर बसेस जो है ना इंडस्ट्रीज़ के लिए जाती हैं. तो अभी हम पहुँच चुके हैं किचनर से कैम्ब्रिज में. अब हम कैम्ब्रिज से जा रहे हैं कुछ फैक्ट्रीज़ में अप्लाई करने, क्योंकि अभी तक हमारी जॉब लगी नहीं है. जैसा कि आप सबको अपडेट चाहिए था ना कि आपकी जॉब लगी है कि नहीं, तो गाइज नहीं लगी है. 5 महीने हो गए और जॉब नहीं है हमारे पास. तो आज हम फिर से वॉक इन करने जा रहे हैं कुछ फैक्ट्रीज़ में. तो बस मौसम भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज. एकदम कभी धूप आ रही है और मूड भी फ्रेश है क्योंकि बहुत सोया है हम. रात को 2 बजे सोई थी मैं रात को और सुबह मैं उठी हूँ 12 बजे. ये हमारी हाउसमेट है, इनका नाम है अमन और ये हमारे घर पे रहती हैं. तो हम दोनों जा रहे हैं साथ में. सो देखते हैं आगे कैसा कैसा होता है. अभी हमारी बस है, बस 5 मिनट में 3 बसें बदल के पहुँचेंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे. तो ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग और हेक्टिक हो जाता है, बसेस बदलना बार बार, और शाम को घर जाने तक तो हालत ख़राब होने वाली है हमारी. सो अब आप बने रहिए इस व्लॉग में, मेरी जर्नी में. तो हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, बट हमें यहाँ से पैदल चल चल के जाना पड़ रहा है. वहाँ से सीधा हमें पैदल जाना है. अभी 1 किलोमीटर की वॉक है. हम जहाँ जा रहे हैं वो एक बेकरी की कंपनी. आ जाओ. वाओ, व्हाट अ चीयर. मैं तो इसमें कभी बैठ ही ना पाऊँ यार. मैंने तो ये क्या लिखा है, द पैटी. ओ माय गॉड, वेरी नाइस. भाई क्या चेयर है, कौन राजा बैठता है इसपे. नाइस. रास्ते में सोचा जैकेट पहन ली लूँ क्योंकि हाथ में पकड़ी नहीं जा रही थी ये जैकेट, और पीछे बैग लेके वगैरह चलो तो बहुत मुश्किल हो रहा था और हवा भी बहुत चल रही थी. तो मैंने जैकेट पहन ली और फिर हम आगे जाने के लिए रेडी हैं एकदम. ये देखो गाइस, हम चलते जा रहे हैं 1 किलोमीटर चलना है. भूख बहुत तगड़ी लग रही है ना अमन. पर अभी हम वहाँ पे सीवी दे देंगे, उसके बाद हम खाएंगे खाना. हम पैक करके लेके आए हैं थोड़ी थोड़ी कसरे पकड़ कभी ताजी से. तो दोस्तों, हमने अपना सीवी वहाँ दे दिया है. हम एक दिन पहले भी आए थे और वहाँ पे हमने अपना सीवी ड्रॉप किया था, बट हमें तब कोई मिला नहीं था यहाँ पे. तो हमने सोचा कि आज फिर से आके किसी से मिल के अपना सीवी हैंड ओवर करें, बट उन्होंने कहा कि अगर आपने अपना सीवी दे दिया है तो आपको कॉल आ जाएगी खुद से. सो हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ. हमारे साथ एक और लड़की भी थी, तो उसने पहले भी इस बेकरी में काम किया हुआ था, फिर भी उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिली. उन्होंने कहा कि आप अपना सीवी ड्रॉप कर दो. उस लड़की को कुछ इंटर्नशिप चाहिए थी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो उसने भी अपना सीवी हमारी तरह ही ड्रॉप कर दिया है. तो गाइज यही है, यहाँ पे जॉब की थोड़ी मंदी चल रही है. चाहे आपके प्रेफरेंसेस हो, कुछ रेफरेंसेस हो, आपने ऑलरेडी काम किया हो, फिर भी आपको कोई पूछता नहीं है. फिर भी चेहरे पे एक मुस्कान लेके घूम रहे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जॉब नहीं मिल रही. पर ऐसा नहीं है गाइज, हम भी हमारे भी ब्रेकडाउन होते हैं. तो शायद अब से आपको कैमरा में देखने को मिले, बट लाइफ इज टफ हियर सिंस 5 मंथ्स. जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, खाना भी ऐसे हम खा लेते हैं मिलता है. वो भी दिखाऊंगी आपको मैं अगले व्लॉग में. गाइज हम एक पास्ता मार्केट में आए हैं. कितने तरह के पास्ता है, ग्लूटेन पास्ता. तो देखो जरा भाई, ऐसे पास्ता मैंने देखे ही नहीं आज तक. भाई ये पास्ता मार्केट में बोला हायरिंग चल रही है, तो हमने यहाँ पे सीवी ड्रॉप डाउन कर दिए हैं. लेट्स सी इफ वी विल गेट अ कॉल और नॉट. लेट्स गो, आवर बस इज हियर. भाई एक तो गेट खुलने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना,
इस एरिया में बस भी नहीं आ रही है जल्दी से, आधे आधे घंटे में, दो दो घंटे में बसेस है यहाँ पे, अगर एक बस छोड़ दी तो गए तुम लोग। वी हैव रीच्ड, यहाँ पे आधी जिंदगी ना बसों का इंतजार करते करते निकल जाते, देर देर में बसेस आती हैं। बस सिस्टम यहाँ का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली ये किचनर वाटरलू एरिया में। सिग्नल जल्दी होता ही नहीं पता है, हमारी बस हमारे सामने से निकल जाएगी और ये वॉकिंग का सिग्नल आएगा ही। हो गया। अब हम खा रहे हैं गाइस खाना, हमारी बस है 5 मिनट में आएगी, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हम पराठा लाए हैं, मन चीज पराठा, तो हम ऐसे बस स्टैंड होता है ये, यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। ऐसे अगर आप कोई खाने की आइटम रखोगे साथ साथ तो आप चलते फिरते रहोगे, तंदुरुस्ती रहेगी। तो हमेशा अपना टिफ़िन पैक करके लाओ कि बाहर से हम कुछ खाना अवॉइड करें। ये पूरी कंपनी है दोस्तों, इतनी बड़ी। अब हम इसके वेयर हाउस में जा रहे हैं, उस साइड से वेयर हाउस है, तो चल चल के अभी जाएंगे और देखते हैं अगर ये हमें हायर कर लेंगे तो फिर आपको अपडेट करेंगे। ये रास्ते में एक तालाब हमें दिखा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम यू नो इंडिया जैसी फील आ गई बीच बीच में। और ये एक बगुला भी दिखा हमें, बहुत ही क्यूट। और हम चलते ही जा रहे थे, ये वेयर हाउस का रास्ता हमें मिल ही नहीं रहा था, हमें एक ट्रक ड्राइवर ने बोला था कि घूम के जाओ वहाँ से आपको रास्ता दिखेगा। अरे हम टमाटर तो उठा ही सकते हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे टमाटर उठा सकते हो, वो हमें टमाटर उठाने लायक नहीं समझ रहे ना। हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां पे हम सुबह थे, फेयरवे के पास। शाम के बज चुके हैं 4:30। यहां पे भी हम थोड़ा सा घूमेंगे, ग्रॉसरी करेंगे और फिर हम जाएंगे घर को। तो गाइज अभी हम आ गए फूड बेसिक्स में, यहां पे फूड बेसिक्स करके स्टोर है हमारा। थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो रहा था, जैसे कि मुझे तेल, नमक ये लेना है बस। चावल तो हम कल लेके गए थे यहाँ से, तो फटाफट उठाएँगे और चलेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। कौन सा है ये, जो सस्ता है वो ले लो। ये सस्ता ही है, 179 का चिली पाउडर। और कितना है ये, 100 ग्राम, अगर हम कन्वर्ट करें तो है 70 रुपीज़ का। सॉल्ट, ये सॉल्ट है इसमें, लेकिन पतला पैकेट देखा है तो बहुत बड़ा पैकेट है। ये सी सॉल्ट है। नहीं रुको, आगे देखते होगा पतला पैकेट। उठा लो, सबसे सस्ता तेल है $5 का, ये मिल रहा है। और बाकी बहुत महंगे तेल है गाइस, यहाँ पे $60 का। और जो हम सबसे पहले लेके गए थे ना तेल, वो कहाँ पे है, ये वाले तेल है वो शायद, ये $18 का मिलता है, प्योर सनफ्लावर का आपको लेना है तो हम सबसे सस्ता उठाते हैं। ये $2-3 पर, ये छोटी भी है ना बॉटल तो देखो 500 की है ये, 473 ml है। ये कुकिंग सॉल्ट ले लेते हैं $6 का। यहाँ तो चिप्स इतने महंगे मिलते हैं ना, $5 के चिप्स। तो जो भी आ रहा है ना इंडिया से, वहीं से चिप्स विप्स लेके आओ, आपको पसंद है तो। चिप्स मिल रहे हैं $5 के, तो बड़े महंगे हैं $3 के। सो मैंने यहाँ के तो चिप्स खाना ही छोड़ दिया है। इंडिया में मैं बहुत चिप्स खाती थी, मुझे चिप्स बहुत पसंद है, बट यहाँ पर आके इतने प्राइस देख के मैं चिप्स नहीं खा रही। घी यहाँ पर आता है $14 का, ये कोई भी नमकीन ले लो, 149 की है, $1.49 एनी नमकीन। जो हमारे यहाँ 10-10 रुपए का मिलता है ना पैकेट, वो यहाँ पे $1 का है। गाइस देखो ये दूध है ना, जो $5.29 का, $6 का पड़ेगा, ये हमें फ्री में मिलता है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो सब्सक्राइब कर लो। 39 का भी ले गया। माई गुडनेस, नाउ वी विल पुट एवरीथिंग इन आवर बैग। हाय दोस्तों, तो हम घर पहुंच चुके हैं और आते ही बस सोफे पे बैठ गए हैं, बहुत थक चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हम नहाएंगे, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, खाना बनाएंगे और फिर सो जाएंगे। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है मुझे बताना, अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स डेली चाहिए, क्योंकि अब तो डेली व्लॉग्स आएंगे। आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी बोरिंग और इंटरेस्टिंग, बट मैं अपनी ये जर्नी डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ इन व्लॉग्स के ज़रिए दिखाऊंगी। और मैं अपने व्लॉग्स में एक चीज़ शुरू करने वाली हूँ,
कि मैं कोई भी 3 क्वेश्चंस लूंगी अपने व्लॉग्स में. आप कमेंट करते रहिए नीचे या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो. जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होंगे, कोई भी 3 क्वेश्चंस लेके उनका आंसर करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो कीप कमेंटिंग हियर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से फर्श आजाद करती हो, अच्छा लगता है हिला कर होठ जब भी. अभी बज चुके हैं 9:30 और हम खा रहे हैं आज 9:30 बज गए. हम खा रहे हैं आलू की सब्जी और पूड़ी और बनी है भिंडी की सब्जी और क्या है हमारे पास, बैंगन आलू. और हम आज डिनर कर रहे हैं साथ में बैठ के, तो हमें बहुत ही मजा आ रहा है. खुशबू से बहला होना, सीधे पॉइंट पे आना, आँखों में आंखें डाल के कह दो ख्वाबों में टहलाओ ना, जरा शॉट पे बदलाओ.